हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू राइजिंग ज्ञान चैनल। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की तरफ से जो आपके यहाँ पे न्यू वैकेंसी जारी की गई है। तो फ्रेंड्स, इसे आप किस तरह फ़ोन से आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, इसी के बारे में आज के इस वीडियो में हम आपको बताए जाए डिटेल में। तो फ्रेंड्स, यहाँ सबसे पहले आपको यहाँ पे एक न्यू जो अकाउंट है वो आपको क्रिएट करना होगा। तो आपकी जो नेशनलिटी है वो आप यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे, आपका जो भी फुल नेम है कैंडिडेट का वो आपको यहाँ पे एंटर करना होगा। तो आपका यहाँ पे जो फुल नेम है वो आप यहाँ एंटर करेंगे और इसको रीटाइप आपको फुल नेम यहाँ पे कर देना है। हमसे सैंपल के तौर पर डाटा डाल रहे हैं, आपके पर्सनल जो भी डाटा है वो आपको यहाँ फिल करना होगा। अगर आपने पहले से ही अपना अकाउंट यहाँ क्रिएट कर रखा है तो आप यहाँ ऑलरेडी अकाउंट पे आप क्रिएट कर देंगे। अगर आप पहली बार कर रहे हैं, आपने जो डिटेल है फिल करनी होगी, तो आपका नाम आपने कभी चेंज करा है तो आप यस करेंगे। इसके बाद आपकी जो भी डेट ऑफ बर्थ है क्लिक करेंगे, उसके बाद आपका री एंटर आप डेट ऑफ बर्थ यहाँ कर देंगे। इसके बाद आपका जो भी यहाँ पे जेंडर है, जेंडर आपको सेलेक्ट कर लेना है, इसको री एंटर आपको जेंडर को कर देना है। इसके बाद आपका जो भी फादर नेम है, फादर नेम की आपको एंट्री यहाँ करनी होगी, तो आपका जो भी फादर नेम है इसकी एंट्री आप करेंगे। इसके बाद री एंटर कर देंगे, आपका मदर नेम की एंट्री करेंगे, री एंटर कर देंगे। अगर आपके आधार कार्ड है तो वेरीफाई यूजिंग आधार कार्ड पर आप क्लिक करेंगे और आपका जो भी आधार कार्ड नंबर है वो डाल देंगे। अगर आपके आधार कार्ड नहीं है, आई डोंट हैव आधार कार्ड पे, आप यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा। फिर आप जब इस पर क्लिक कर देंगे, इसके बाद आपकी जो भी अदर आईडी है वो आपको चूज कर लेनी। तो आपकी वोटर आईडी है, पैन कार्ड है, ड्राइविंग लाइसेंस है, जो भी आप यहाँ क्लिक करना चाहते हैं उसे आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। अब अपने अकॉर्डिंग जो भी आपकी आईडी प्रूफ आपके पास है वो आपको यहाँ सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद जो आपका डॉक्यूमेंट नंबर है उसको आपको यहाँ एंटर करना होगा। आपकी इशू अथॉरिटी है, किसने आपको ये ऑथराइज करा है वो आपको यहाँ डालना होगा। आपका प्लेस ऑफ इशू है वो आपको यहाँ डालना होगा। आपकी जो डेट ऑफ इशू है वो आपको डाल देना होगा। अगर आपके आधार कार्ड है तो आप आधार कार्ड की ही यहाँ कर देंगे। इसके बाद आपका यहाँ पे जो भी ईमेल एड्रेस है वो आपको यहाँ एंटर करना होगा। तो आपका जो भी यहाँ पे ईमेल एड्रेस है परमानेंट वो आप एंटर करेंगे, आपका वैलिड मोबाइल नंबर आप एंटर करेंगे। इन दोनों पर ही आपको एक ओटीपी आएगा जिसे आपको यहाँ पे एंटर कर देना है, जैसे आप वेरीफाई कर देंगे। उसके बाद आपको एक न्यू जो आपका पासवर्ड है वो आपको क्रिएट करना होगा। तो आपको यहाँ पे अपर केस, लोअर केस, नंबर्स और स्पेशल कैरेक्टर्स में ये जो आपका पासवर्ड है वो आप यहाँ पे एंटर कर देंगे। जब आप यहाँ पे पासवर्ड बना देंगे उसके बाद आपको यहाँ पे कन्फर्म पासवर्ड करना होगा, कैप्चा को भरना होगा और आपको यहाँ पे लॉगिंग पे आपको क्लिक करना होगा। जब आप यहाँ पे क्लिक कर देंगे सभी डिटेल देखने के बाद, तो आपको यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे उसके बाद आपको यहाँ पे नेक्स्ट आपकी जो स्टेप आती है वो आपकी यहाँ पे आती है अप्लाई की। तो यहाँ आपको अप्लाई पे क्लिक कर देना है। उसके बाद जब आप अप्लाई पे क्लिक करेंगे तो ऑलरेडी हैव एन अकाउंट पे आपको क्लिक करना होगा और आपको साइन इन करना होगा। तो इसके लिए आपका जो भी मोबाइल नंबर है, आपकी ईमेल एड्रेस है वो आप एंटर करेंगे, पासवर्ड आप डालेंगे, कैप्चा को भरेंगे और यहाँ पे आप क्लिक कर देंगे। जब आप इसे क्लिक कर देंगे इसके बाद आपकी जो भी वैकेंसी है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। तो आप जिस भी आरआरबी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, चाहे आप टेक्निशियल ग्रेड फर्स्ट सिग्नल के लिए आप करना चाहते हैं या आप टेक्निशियल ग्रेड थर्ड के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो अपना जो भी आरआरबी है वो आप यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे। आपके जब आरआरबी आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे उसके बाद आपको नेक्स्ट करना होगा। तो आपको अपना जो आरआरबी है वो आपको यहाँ सेलेक्ट कर लेना है, उसके बाद आपको यहाँ नेक्स्ट करना होगा। तो अपनी जो क्वालिफिकेशन है उसके अकॉर्डिंग आप अपना जो आरआरबी, आपका जो रीजन है वो आप यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे। जब अपना रीजन आप सेलेक्ट कर लेंगे उसके बाद आप यहाँ पे क्लिक आप इस पर कर देंगे। क्लिक करने के बाद नेक्स्ट आपको यहाँ करना होगा। जब आप यहाँ नेक्स्ट करेंगे इसके बाद आपकी जो भी डिटेल है वो आपको आगे फिल करनी होगी, जैसे कि आपका मेडिकल स्टेटस है वो आप यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं, आपका रिलीजन है वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। तो आपका जो भी मेडिकल स्टेटस है वो आप सेलेक्ट कर लेंगे, आपका रीजन है वो आप सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद आपका यहाँ पे लैंग्वेज चूज एग्जाम की है वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं, आपकी बॉडी पे कोई मार्क्स है उसकी आप एंट्री करेंगे, नहीं तो 9 मार्क्स की आप यहाँ एंट्री कर सकते हैं। इसके बाद आपकी जो भी कम्युनिटी डिटेल है वो आप यहाँ सेलेक्ट करेंगे, तो आप जिस भी कम्युनिटी में आते हैं वो आपको यहाँ सेलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद आपको यहाँ पे आपका जो सर्टिफिकेट नंबर है वो आपको एंटर करना होगा। इसके बाद आपकी इशू अथॉरिटी है, आपका यहाँ पे जो भी इशू स्टेट है, आपकी जो भी इशू डेट है आपकी, वो आप यहाँ एंटर करेंगे। अगर आपको यहाँ पे पास आपको चाहिए एग्जाम के लिए आप यस करेंगे और आपका जो भी नियरस्ट रेलवे स्टेशन है वो आप यहाँ पे एंटर कर देंगे और अपलोड डॉक्यूमेंट्स पे आपको क्लिक करना होगा। आपके डॉक्यूमेंट्स की भी आप साइज आपको यहाँ पे देके रखिए। इसके बाद आपका जो प्रेजेंट एड्रेस है वो आपको यहाँ क्लिक करना होगा, आपका स्टेट, आपका डिस्ट्रिक्ट, आपका जो भी फुल एड्रेस है वो आप यहाँ एंटर करेंगे, आपका विलेज, टाउन, सिटी है वो आप यहाँ एंटर करेंगे, आपका पिन कोड नंबर भर देंगे। अगर आपका प्रेजेंट एड्रेस परमानेंट एड्रेस ए में तो सेम एस पे क्लिक करें, तो अलग अलग एंट्री आप यहाँ कर देंगे। इसके बाद नेक्स्ट पे आपको क्लिक करना होगा। सक्सेसफुली आपको यहाँ डिटेल है वो देखने को मिल जाएगी।
इसके बाद आपका यहाँ पे आता है अगर आप एक्स सर्विस मैन है आपको यस नो कर देना है। अगर आप एक्स सर्विस मैन के पीएच कैटेगरी में अगर आप आते हैं तो ऐसे डिसेबल कैटेगरी, ये सब डिसेबल कैटेगरी है आपकी, जो भी डिटेल है वो आप यहाँ फुल कर लेंगे। अगर आप पीएच कैटेगरी नहीं आते आप नो करेंगे। अगर आप यहाँ पे इसके बाद अगर आप ईबीसी में आते हैं यानी कि इनकम बैकवर्ड क्लास में अगर आप आते हैं उसकी आप एंट्री करी नहीं है सिंपली आप नो कर देंगे। अगर आप यहाँ पे इसकी एंट्री आप यस करते हैं तो आपकी जो भी डिटेल है आपके जैसे कि बीपीएल कार्ड आप होल्डर है आप यस करेंगे, नहीं है आप सिंपली नो कर दें। आपका है रेलवे एम्प्लॉय अगर आप सर्विस है आपकी यस आपको करना होगा, नहीं है आप नो करेंगे। इसके बाद आपका करंट एम्प्लॉय डिटेल अगर आपकी है तो आप उसकी डिटेल डालेंगे, नहीं तो नो आप कर देंगे। इसके बाद अगर आपने कभी अप्रेंटिस में अगर आपके पास करी है यस करेंगे। इसके बाद आपका नहीं है नो करेंगे। आपका जो बैंक डिटेल है वो आपको है फिल करनी होगी, जो भी आपका अकाउंट होल्डर है नेम वो आपको डालना होगा, अकाउंट नंबर आप डालेंगे, आपका कंफर्म अकाउंट नंबर डालने के बाद आईएफएससी कोड आप यहाँ पे फिल करेंगे, आपका जो बैंक का नेम है वो आप डाल देंगे, आपका बैंक का एड्रेस है वो आप डाल देंगे, वो आप करेंगे। इसके बाद आपको नेक्स्ट करना होगा, जब नेक्स्ट कर देंगे इसके बाद आपका जो भी यहाँ पे क्वालिफिकेशन है जैसे कि आपने अगर पहले के आपने अप्लाई कर रखा है तो आपकी जो भी क्वालिफिकेशन है वो आपको देखने को मिल जाएगी। तो आपके पोस्ट के अकॉर्डिंग जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है, ट्वेल्थ आपने कर रखा है तो आपकी ट्वेल्थ की जो भी डिसिप्लिन है, आपका स्टेट है, आपका डिस्ट्रिक्ट है, आपका बोर्ड का नाम, आपके पासिंग ईयर है, वो आप यहाँ जो भी डिटेल है वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। जब आपकी पूरी डिटेल आप यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे जैसे कि आपका जो भी स्टेट का नेम है, आपकी जो भी डिस्ट्रिक्ट है आप यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे, आपका जो भी बोर्ड का नेम है उसकी एंट्री आपको यहाँ पे कर लेनी है, उसके बाद आपकी जो भी पासिंग ईयर है पासिंग ईयर की एंट्री आप यहां कर देंगे। अपनी पासिंग ईयर की जब आप यहां एंट्री कर देंगे तो आपको अपनी जो भी यहां पे आप पोस्ट अप्लाई कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो आपको डालनी होगी। इसके बाद ऐड आप कर सकते हैं, ऐड करने के बाद आपको यहां सक्सेसफुली देखने को मिल जाएगा। इसके बाद ऐड पे आपको क्लिक करना है। अगर एजुकेशन है क्वालिफिकेशन है वो आप यहां डालना चाहते हैं तो एंट्री आप यहां कर सकते हैं या फिर इसे आप सही भी आप इसे कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पे आपको यहां क्लिक कर देना है। जब आप इसे नेक्स्ट पे यहां क्लिक कर देंगे, नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे आपकी जो भी यहाँ पे सर्टिफिकेट आपने जो डिटेल है आपकी कैटेगरी की वो आपकी सभी डिटेल आपको यहाँ अपलोडेड देखने को मिल जाएगी, अपलोडेड आपको यहाँ पे आ जाएगा। इसके बाद आपको अपना जो भी सिग्नेचर है वो आपको यहाँ अपलोड करना होगा, तो आपकी फ़ोटो और आपका सिग्नेचर है वो आपको यहाँ अपलोड करना होगा। तो सिंपल आपको फ़ोटो है वो आपको अपलोड करनी होगी, तो आपको इसके लिए यहाँ पे इंस्ट्रक्शन भी दे के रखे हैं। तो आप ब्राउजर पे जाएंगे और आपकी जो फ़ोटो है वो आपको अपलोड कर देनी है, इसके इंस्ट्रक्शन को रीड करनी है। इसी तरह आपके जो सिग्नेचर उसके भी इंस्ट्रक्शन आपको दिए हैं, इनको रीड करने के बाद ब्राउजर पे आप जाएंगे और आपकी जो सिग्नेचर है वो आप अपलोड कर देंगे। जब अपनी सिग्नेचर और आपकी फोटो है वो आप यहाँ अपलोड कर देंगे, इसके बाद आपका जो नेक्स्ट स्टेप यहाँ पे आता है वो अपलोड करने के बाद क्लिक कर देना है। जब आप यहाँ नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे उसके बाद आपको यहाँ पे आपकी फ़ोटो है और आपका सिग्नेचर है वो आपका अपलोडेड आ जाएगा। इसके बाद अपनी जो भी यहाँ क्वालिफिकेशन भरी है उसके अकॉर्डिंग आपको अपनी जो भी यहाँ पोस्ट है जिसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे प्लस के निशान पे क्लिक कर देना है। अपनी जो भी प्रेफरेंस है इन पोस्ट के अकॉर्डिंग वो आपको यहाँ पे चूज करनी होगी, तो आप यहाँ पे प्लस पे निशान पे आपको क्लिक करते जाना है आपकी जो भी क्वालिफिकेशन है उसके अकॉर्डिंग, और आपको यहाँ पे अपनी जो प्रेफरेंस है सारी प्रेफरेंस जब आप यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे उसके बाद आपका जो आपको यहाँ पे आई हैव पे आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। आई हैव पे आप जब यहाँ पे क्लिक कर देंगे उसके बाद आपको यहाँ पे जो नीचे ऑप्शन है इन पे भी आपको अपने अकॉर्डिंग रीड करनी है, आपको क्लिक करना होगा। आपने कहाँ से फॉर्म आप भर रहे हैं उसको आपको यहाँ पे नाम आपको यहाँ लिखना होगा। इसके बाद आपका यहाँ पे एप्लीकेशन जो सिग्नेचर है वो आपको यहाँ पे आता है, तो आपको अपना जो भी यहाँ पे डिटेल है वो आपको आई हैव रीड पे आपको क्लिक कर देना है। सबमिट आपको यहाँ पे कर देना है। जब आप यहाँ सबमिट कर देंगे अगर कुछ गलती लगती है आप इसे सही कर सकते हैं, आपको सब कुछ सही है तो पे आप यहाँ क्लिक कर देंगे। जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपका जो भी यहाँ पे डिटेल है आपके अकाउंट की वो आपको यहाँ पे फिल करनी होगी, आपकी जो फीस है वो आपको आ जाएगी। इसके बाद आपको यहाँ पे आप अपनी जो कार्ड की डिटेल है वो आप यहाँ पे फिल कर देंगे, और कार्ड की डिटेल जब आप यहाँ फिल कर देंगे उसके बाद पे नाउ पे आपको क्लिक करना है और आपका जो पेमेंट है वो सक्सेसफुली हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे प्रिंट का ऑप्शन, आपको अपना प्रिंट लेकर फिर चूज के संभाल के रख लेना। फ्रेंड्स इस तरह जो आपका काम है वो कंप्लीट हो जाता है। अधिक जानकारी के लिए आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके जो सर्च कीजिए। थैंक यू सो मच।